शिवपुरी में आजकल भ्रष्टाचार की लीला तो अपरंपार है। ठेकेदार तो ठहरे भ्रष्टाचार करते ही हैं, लेकिन अब उन रोडों की मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों ने कसम खा ली है कि भ्रष्टाचार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। शिवपुरी में देहरदा ईसागढ़ मार्ग पर तुलसी नारायण गर्ग की फर्म काम कर रही है। इस कंपनी को MPRDC के नियमों के मुताबिक डामर और गिट्टी मिक्स बैच मिक्स प्लांट से होनी थी। उसके बाद उस पर PTR रोलर का इस्तेमाल होना था जिससे रोड का निर्माण हो और वो अच्छी क्वालिटी की हो। लेकिन जब हमारी टीम ने पड़ताल की तो ना तो बैच मिक्स प्लांट का उपयोग हो रहा था, ना ही PTR रोलर का इस्तेमाल हो रहा था। इस संबंध में ठेकेदार तुलसी नारायण गर्ग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम वेद प्रकाश शर्मा के बैच मिक्स प्लांट से माल लेकर डाल रहे हैं, जबकि उनका प्लांट तो पिछले एक माह से बंद पड़ा है। फिर आखिर यहाँ से माल कैसे लिया गया? इस संबंध में MPRDC के शिवपुरी और उस रोड के प्रभारी KB चतुर्वेदी से बात की गई तो उनका कहना था कि ऐसी कोई शर्त टेंडर में नहीं है, जबकि शर्त टेंडर में है। इसके बाद इस संबंध में जब MPRDC के ग्वालियर संभाग के डिवीजनल मैनेजर राजीव श्रीवास्तव से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मामले को हम दिखवाते हैं, लेकिन आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं हुई। आखिर मध्य प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता क्यों सही नहीं होती? ये प्रमाण आपके सामने है। आखिर कार्रवाई और शिकायत जसकिता से आज भी निरंतर काम जारी है। एक ड्रम मिक्स प्लांट से ये पूरा काम हो जाएगा जो कि बामोर में लगाया गया है। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? MPRDC के DM तक इसमें मिले हुए हैं। आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या पूरा काम करने के बाद उसको क्लीन चिट देकर प्रशासन मांगने का और काली रोड का काला खेल जारी है? देखने वाली बात होगी कि इस पर कब कार्यवाही होती है।